हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 21 फरवरी का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज जो है मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले डे के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। ये लास्ट मंथ भी मैंने डिस्कस किया था, जनवरी मंथ में, ठीक है। तो डिटेल में इस डे को हम डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, जो हमारा नेशनल हिंदी जो दिवस है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो 14 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है 21 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एम क्या है इसका कि अवेयरनेस फैलाना कि लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी उसको प्रमोट करना है, ठीक है। किसी को भी लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इस साल की जो थीम है 2022 की, वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये थीम आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है यूनेस्को के द्वारा 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, कि हम 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है टंग डे हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो 2000 से हम लोगों ने ये स्टार्ट करना शुरू किया। डे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, स्पेशली बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पे जब ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसको, ठीक है, बांग्लादेश जो है यहाँ पे इस मैप में देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसको, वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया गया लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुए। तो 1971 की वॉर में इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन जो वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें से ये न्यू कंट्री बन के निकली जिसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ऐसी कंट्री न्यू है, ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहले, ये भूटान के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया, उसके बाद हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया कि न्यू कंट्री बन के आई है जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि मदर लैंग्वेज जो बांग्ला है, ठीक है, उसके लिए। तो रिजोल्यूशन यहाँ पे लाया गया 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो ये सजेस्ट किसके द्वारा किया गया, ये रफ़ीकुल इस्लाम के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था, ठीक है। वो एक बांग्लादेशी थे, ठीक है, और रहते कहाँ पे थे, कनाडा में रहते थे। इनके द्वारा ही 1952 में बोला गया था कि यहाँ पे जो बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट जो है 1952 में चलाया गया ढाका में। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जाने भी गई इस प्रोटेस्ट में, ठीक है। एम क्या है कि डाइवर्स जो स्पेशली हमारा जो कल्चर उसको प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल जो हेरिटेज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, मेन यहाँ पे ऐसी बात बोली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो संविधान है उसमें शेड्यूल टोटल आपको 12 देखने को मिलते हैं। उन्हीं 12 शेड्यूल्स में से शेड्यूल 8th जो है जो बात करता है किसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। आज के टाइम में हमारे जो संविधान में शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस हैं वो 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली अगर देखें तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, तो बाद में अमेंडमेंट्स कर करके तो यहाँ पे जो और लैंग्वेजेस हैं इसको ऐड ऑन किया गया। 8th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस कंसिस्ट हैं, असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो इनिशियली आप लोगों को याद रखना 14 लैंग्वेजेस थी। उसके अलावा सिंधी जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी को ऐड किया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड ऑन किया गया। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 लाया गया, उसमें ओडिया जो था इसका रीनेम किया गया एज अ ओडिया, ठीक है। इंग्लिश जो है इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखनी है। इंग्लिश हमारी शेड्यूल का जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करें, ये तो हो गई शेड्यूल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारी कंट्री में टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आती है तमिल। तमिल को रिकोगनाइज़ किया गया, डिक्लेयर किया गया 2004 में, ठीक है। तो रिसेंटली जो किया गया था 2014 में किया गया वो था ओडिया को, ठीक है। तो ओडिया जो ओडिया नेम था वो रीनेम किया गया 2011 को। संस्कृति जो है संस्कृत लैंग्वेज जो है 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया। तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, और जो 2014 में एड ऑन किया गया ओडिया को किया गया। तो टोटल हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में वो है टोटल 6 है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ठीक है। तो याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, शायद आसाम PCS में पूछा गया था या फिर UP PCS में, ठीक है, तो पूछा गया था ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो बात की जा रही है बेंट टॉड गेको। गेको यानी कि एक छिपकली की तरह एक प्रजाति रहती है, काफ़ी बड़ा साइज रहता है इसका। तो रिसेंटली ही यहाँ पे जो है हेडपोटोलॉजिस्ट यानी कि जो छिपकली वगैरह या ऐसे जो इंसेक्ट्स पकड़ने वाली जो टीम रहती है उनके द्वारा यहाँ पे न्यू स्पीसीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। वुडन जो पार्ट है अमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में, ठीक है, जिसका नाम है बेंट टॉड गेको, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि गेको जो है वो किस तरह की प्रजाति है। इस पिक्चर में आप अच्छी तरह से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, क्रैटोडैक्टिलस, ठीक है, क्रैटोडैक्टिलस एक्सर्टिसस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है। तो इंग्लिश नेम है ये इंडियन आर्मीज बेंट टॉड गेको, ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो नाम दिया गया है, ठीक है, बेंट टॉड गेको है। फर्दर अगर बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, आफ्टर मिजोरम सहया डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको यानी कि इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे मिजोरम में पहले पाया गया था, ठीक है। हाइपरटोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड हैं इसकी स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स की, और एम्फीबियंस है ये। एम्फीबियंस क्या रहते हैं कि जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसमें क्रोकोडाइल भी इसमें एम्फीबियंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें गेकोस की, ये एक रेप्टाइल्स है यानी कि रेंगने वाली प्रजाति है ये, जो पाई जाती है ऑल कॉन्टिनेंट्स में, बस किसको छोड़ के, कौन से कॉन्टिनेंट को छोड़ के, अंटार्कटिका को छोड़ के, बाकी हर एक कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। यानी कि हमारे जो वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो कलरफुल लिजर्ड ये है, ठीक है, कलरफुल यानी कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे कलर इसकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैबिटेट यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। डेजर्ट कोल्ड माउंटेन स्लॉप्स में रहते हैं। लॉन्ग पीरियड टाइम यानी कि काफ़ी समय बाद गेको जो है ये डेवलप किया गया, इसका फिजिकल फीचर जो है जो हेल्प करता है सर्वाइव करने में और अवॉइड करता है प्रीडेटर्स को। प्रीडेटर्स क्या रहते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं और जो प्रे होते हैं यानी कि जिसका शिकार किया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे लॉयन हो गया, ठीक है, वो क्या है, प्रीडेटर है, और जो डियर हो गया वो हो गया प्रे हो गया, ठीक है। गेको टेल्स जो है ये सर्व करते हैं मैनी पर्पस के लिए, ठीक है। ये हेल्प करते हैं बैलेंस वेट ऑफ क्लिम ब्रांचेस, यानी कि जो हाइट पे चढ़ने के लिए जो है इनकी टेल जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है डिसअपेयर हो रही है एनवायरनमेंट के चलते, तो इनकी प्रजाति भी जो है वो कम हो रही है। मोस्ट जो गेकोज है नॉक्टर्नल है, ठीक है, मींस या नॉक्टर्नल का मींस ये एक्टिव रहते हैं नाइट में, ठीक है, रात के समय में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बट डे टाइम जो गेकोज हैं ये एक्टिव कम होते हैं ड्यूरिंग द डे, निबल ऑन इंसेक्ट्स फ्रूट्स एंड फ्लावर नेक्टर्स, ठीक है। मोस्ट जो गेकोज हैं वो जो आवाज़ निकालते हैं क्रिपिंग की निकालते हैं, बाकिंग की निकालते हैं, क्लिकिंग की निकालते हैं, ठीक है। तो डिफेंड करता है अलग अलग टेरिटरी में और अट्रैकिंग अ मेट, ठीक है। और इसी के अलावा अगर बात करें कि मैनी स्पीसीज जो है गेको की ये डिपेंड रहती हैं स्पीसीज पे देयर एंडेंजर स्टेटस, ठीक है। तो क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में ये है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे मेघालय में बेसिकली ये पाई गई है, मेघालय में पाई गई है। मेघालय आपको यहाँ पे सिचुएटेड दिखेगा और बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री मेघालय को टच करती है और असम को, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि गैंडे के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो रिसेंटली ही यहाँ पे जो पोचिंग यानी कि काफ़ी ज़्यादा शिकार किया जाता है इसका, जो वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न्ड राइनो है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इसकी काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की जा रही है, इसलिए इसी की वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो 5 स्पीसीज जो है राइनो की पाई जाती है, जैसे वाइट एंड ब्लैक राइनो अफ्रीका में पाया जाता है, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो
जावन एंड सुमात्रा में पाया जाता है, ठीक है, राइनो स्पीसीज जो है ये एशिया में। IUCN की रेड लिस्ट स्टेटस की बात करें तो ब्लैक राइनो जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की बात करें तो ब्लैक राइनो जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। स्मॉलर ऑफ द टू अफ्रीकन स्पीसीज, यानी कि बाकी जो अफ्रीकन स्पीसीज है उनसे काफ़ी उससे स्मॉलर देखने को मिलता है ब्लैक राइनो। व्हाइट राइनो की बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। रिसर्चर का मानना है कि ये जो एमरो है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो यूज़ किया जाता है यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको बढ़ाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है व्हाइट राइनो में, ठीक है। वन हॉर्न राइनो की बात करें वल्नरेबल कैटेगरी में है। जावन जो है क्रिटिकल एंडेंजर है। सुमात्रा राइनो की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर है, ठीक है। तो एक्सटेंट है ये मलेशिया वाले रीजन में। ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है ये पाया जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है, और इसको इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट है राइनो स्पीसीज में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वन हॉर्न राइनो जो है ये जितनी भी राइनो स्पीसीज है उनमें सबसे लार्जेस्ट जो स्पीसीज है ये मानी जाती है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ठीक है, जो हमारी कंट्री में ही पाया जाता है ओनली। ये आइडेंटिफाई किया गया है सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ग्रे ब्राउन हाइट विथ स्किन फोल्ड, ठीक है। प्राइमरी ग्रेज डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट एंटायरली ग्रासेस, यानी कि ये ग्रास खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा लीव्स ब्रांचेस और शर्ब्स एंड ट्रीज फ्रूट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स भी ये खाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं ये भी इनके द्वारा खाए जाते हैं। हैबिटेट यानी बात करें ये रहते कहाँ पे हैं, इनका जो हैबिटेट रीजन कहाँ पे है। स्पीसीज जो है रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल हैबिटेट है इंडो नेपाल तराई एंड नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड असम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री की बात करें तो जो राइनोज हैं मेनली पाए जाते हैं असम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। असम की बात करें तो 2640 राइनोज जो है 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में हैं, जैसे पोबित्रा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क्स काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको पूछे जा सकते हैं। अबाउट 2400 जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एंड टाइगर रिजर्व जो है इसमें पाए जाते हैं, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ओके। प्रोटेक्शन स्टेटस की मैं अगर बात करूँ तो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है ये। सिटीज अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है इसको, ठीक है। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। थ्रेटन की बात करें कि मतलब इनके ऊपर जो खतरा है वो किस किस वजह से है, क्योंकि इनका जो हॉर्न्स है, ठीक है, उसकी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। हैबिटेट लॉस की वजह से, यानी कि जंगल है, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जंगल जो काटे जाते हैं उसकी वजह से भी इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन में है। पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें कि हमारी कंट्री के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं कि राइनोज जो हैं हमारी कंट्री में उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। 5 राइनोज जो रेंज है हमारी नेशन में, ठीक है, जैसे नेपाल भूटान इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया, ठीक है। तो इनके द्वारा साइन किया गया एक डेक्लेरेशन जिसका नाम है द न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019, याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए कंजर्वेशन करने के लिए एंड प्रोटेक्शन करने के लिए इन स्पीसीज की, ठीक है। तो रिसेंटली ही हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया ताकि जो क्रिएट किया जा सके DNA प्रोफाइल ऑफ ऑल राइनोज इन द कंट्री। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे लॉन्च की गई 2019 में, ताकि जो वन हॉर्न राइनोज हैं, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं, उनको कंजर्व किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके अलावा 2022 का विजन भी जो था राइनो का, इंडियन राइनो का, ये लॉन्च किया गया 2005 में। एम्बिशियस एफर्ट है ये वाइल्ड जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वन हॉर्न राइनोज की, एटलीस्ट 3000 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज जो है स्प्रेड है ओवर द 7 प्रोटेक्टेड एरिया स्पेशली असम में, ठीक है। तो बाय द 2020 के हिसाब से ये बातें सारी की गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए असम में यहाँ पे वन ग्रेट वन हॉर्न राइनोज जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे रामुआ मानस औरंग नेशनल पार्क अन्नामेरी काजीरंगा दिहंगपिटकाई डिब्रू ससिकोवा, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बना है, ठीक है, पास में। तो 6th की अगर बात करें, रेमोना नेशनल पार्क जो है ये आइडेंटिफाई किया गया एज अ 6th 2021 में। दिहंग नेशनल पार्क जो है ये नोटिफाई किया गया 7th, ठीक है, 2021 में जून में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो रिसेंटली अभी नेशनल
पाप जो है वो आइडेंटिफाई किया, नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो है वो डिटेल में क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है डाउट कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को लिखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम न्यू जो आर्टिकल है वो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव किया गया है कि इंप्लीमेंट करेंगे फेज सेकंड, किसका, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नहीं है इसमें, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन के लिए जो है जो एग्जामिनर है आपको ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी दे सकते हैं कि ये किसका इनिशिएटिव है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इनिशिएटिव है। अगर बात करें इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, तो इसके अंडर क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी ये मैं आपको बता दूँ। सिस्टम वर्क कैसे करेगा, एक यहाँ पे कॉमन पोर्टल होगा, यहाँ पे जुडिशरी डाटा इकट्ठा करेगी, पुलिस, ठीक है, उसके प्रिजनर का डाटा जो रहेगा, पब्लिक डाटा जो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा इंटीग्रेटेड एट्रीब्यूट्स जो कीज़ रहेंगी, ठीक है, कानून व्यवस्था यहाँ पे देखी जाएगी, यानी कि एक ही पोर्टल के तहत क्या किया जाएगा, सारी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे हिम भूमि, सारथी, वाहन, शस्त्र, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कोर्ट वन एंड कोर्ट एन यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाएगी। जैसे पुलिस स्टेशन, कंप्यूटराइज सिस्टम भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इस पोर्टल के चलते, ठीक है। उसके अलावा इंटर ऑपरेबल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जैसे इंडिया पैन इंडिया सर्च, यानी कि सर्च अक्रॉस किया जाएगा, पिलर जो रहेगा डाटा का, ठीक है, जैसे कोर्ट का, ई प्रिजन का, प्रोसिक्यूशंस का, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पिलर एनालिटिक जो एनालाइज किया जाएगा, इंडिविजुअल पिलर जो रहेगा, अंडरस्टैंड करना स्पेशली क्या क्या पैटर्न है, ठीक है, डाटा एक्सचेंज करना एक ही पोर्टल के थ्रू की ईजी अवेलेबल रहेगा सारी चीज़ें, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है। वन डाटा वन एंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी और प्रोफाइलिंग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ट्रेस की जाएगी, ओके। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अप्रूव जो किया गया है इसके लिए 3,375 करोड़ जो है ड्यूरिंग पीरियड जो है 2022 से लेके 2025 तक यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल भी लॉन्च किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या रहता है कि बस कुछ ही जगह में यहाँ पे इसको, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके देखना, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना वरंगल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, टू क्रूशियल पिलर्स जो है क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी के, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस किए गए, ठीक है। तो आखिर है क्या ICJS, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो अनेबल रहेगा इंटीग्रेट करने में मेन जो IT सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है हमारी कंट्री में, ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस जो है हमारी कंट्री में उसको डिलीवर किया जा सके इजीली, ठीक है, स्पेशली डिजिटली फॉर्म में। इंटीग्रेट किया गया इसमें 5 पिलर्स, स्पेशली पुलिस यहाँ पे काम करेगी ताकि ट्रैक किया जा सके थ्रू, जैसे क्रिमिनल एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग की जा सके, नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। ई फोरेंसिक्स जो है, ठीक है, जैसे कोई भी क्राइम हो गया, सपोज करो किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो फोरेंसिक लैब में सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्ट्स रहेंगे, ई प्रोसिक्यूशन रहेगा फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ई प्रिजनर्स फॉर प्रिजन्स, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं डिजिटली फॉर्म में रखी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा थ्रू डेडिकेटेड एंड सिक्योर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि जल्द से जल्द सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और जो क्रिमिनल जस्टिस है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट, ठीक है, विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, और कोलैबोरेशन रहेगा अलग अलग स्टेट्स का एंड यूनियन टेरिटरीज का भी, यहाँ पे सब मिलके काम करेंगे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि फेसेस जो हैं काफ़ी डिफरेंट देखे जा रहे हैं इसमें ICJS के। तो फेस वन जो है इस प्रोजेक्ट का, इंडिविजुअल जो IT सिस्टम है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो सर्च किए जा सके, ठीक है,
अंडर फेज सेकंड की बात करें, जो सिस्टम है ये बिल्ड किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वन डाटा वन एंट्री के बेस पे, ठीक है। ठीक है, तो ये वन डाटा वन एंट्री के बेस पे फेज सेकंड जो है ये यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी, ठीक है। वन पिलर रहेगा जो सेम अवेलेबल रहेगा अदर पिलर्स के लिए विदाउट नीड टू री एंटर द डाटा, ठीक है। तो री एंटर जो है डाटा उसको नहीं करना पड़ेगा, एक ही यहाँ पे डाटा रहेगा, ठीक है, और वन एंट्री यहाँ पे रहेगी एंड ईच पिलर, ठीक है। उसके अलावा बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने आपको पहले बोला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेटअप इसको 1986 में किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है ये, ठीक है। फंक्शंस जो है इंफॉर्मेशन यानी कि क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। और ये सेटअप किया गया बेस ऑफ रिकमेंडेशन थी नेशनल पुलिस कमीशन 1977 और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स 1985 के तहत इसको क्या किया गया, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि ऐसे ही एक ब्यूरो होनी चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। फिर 1986 में एक नई जो है यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनुअली रिपोर्ट्स जो है ये पेश करती है, जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, और एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही पेश करती है, ठीक है। 1953 से जो पब्लिश की जा रही है ये रिपोर्ट्स, ठीक है। क्रूशियल जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। इनोग्रल किया गया फंक्शन सेकंड CCTNS हैकाथॉन एंड साइबर चैलेंज 2020 का, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रणवीर सिंह को मिला और यहाँ पे जो पुष्पा मूवी के जो हीरो थे, ठीक है, अल्लू अर्जुन, ठीक है, इनको भी मिला, क्लियर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है प्रेस्टिजियस सेरेमनी, और हाँ एक और बात, कल मैंने जो डिस्कस किया था आपसे जो जो डिजिटली जो मैंने आपको बोला डेकाथॉन, ठीक है, डार्काथॉन जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें जो मैंने पेगासस वायरस के बारे में बात की थी, तो पेगासस वायरस जो है ये इसराइल का है, ठीक है। तो गलती से मैंने इराक बोल दिया था, ठीक है। तो पेगासस वायरस जो है वो किसका है, ठीक है, NSO जो ग्रुप है वो थी इसराइल की, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो सॉरी ये थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग प्रेस्टिजियस सेरेमनी यहाँ पे देखने को मिली दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, ठीक है। तो ये 20 फरवरी को ये अवार्ड्स जो हैं अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे हेल्ड हुई मुंबई में, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही लास्ट ईयर की उसी के बेस पे इस ईयर जो है अवार्ड्स दिए गए। इस ईयर दादा साहेब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है ये सेलिब्रेट किया गया इंडियन सिनेमा की तरफ से, और साथ ही साथ कोमेमोरेट है, यानी कि हम 75th इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर चीज़ें सेलिब्रेट की गई। तो ये सारी लिस्ट है किन किन को अवार्ड्स मिले हैं, किन किन कैटेगरी में, ठीक है। पुष्पा मूवी जो है, ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, दिराइस पुष्पा जो है इसको फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। बेस्ट फिल्म अवार्ड है शेरशाह, ठीक है। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह फॉर फिल्म 83, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, कीर्ति सैनन फॉर फिल्म मिमी के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये पूरी लिस्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिए, रटिएगा नहीं, एक बार दो तीन बार इसको रीड कीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और डे है सॉइल हेल्थ कार्ड डे। सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो है ये एवरी ईयर हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है 19 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि इस दिन लॉन्च किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यहाँ पे लॉन्च की गई थी ताकि बेनिफिट मिल सके किसान को, ठीक है, हमारी कंट्री के किसान को, फार्मर्स को। 2022 में ये जो इस ईयर जो मार्क किया गया है ये डे 7th जो ईयर है, ठीक है, यानी कि 7th टाइम हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एम क्या है इसका, जो इशू देखने को मिलता है सॉइल से रिलेटेड, सॉइल जो है वो कैसी है, खेती करने लायक है भी है या नहीं, तो वो इशू जो है उसको टैकल करने की यहाँ पे बात की जाती है एवरी 2 ईयर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 19 फरवरी 2015 में लॉन्च की गई थी, कहाँ पे, सूरतगढ़ राजस्थान में लॉन्च की गई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि 65% यहाँ पे वोटिंग देखने को मिली पंजाब में और 60% उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज में, ठीक है।
रशिया बेलारूस के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है मिलिट्री ड्रिल्स, ठीक है। नाटो के द्वारा बोला गया कि रशिया जो सेंक्शन कर रही है 30,000 ट्रूप्स यहाँ पे बेलारूस में सेंक्शन किए गए हैं, ठीक है। नाटो की अगर बात करें तो 1949 में नाटो को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, नेशनल अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नॉर्थ अटलांटिक जो है, नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी PDF के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।